अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मैप टेक्सचर के बारे में। सबसे पहले हम स्केचअप को ओपन किया, हमने एक 3D ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया हुआ है और मैप टेक्सचर में यह है कि हम कोई भी टेक्सचर जो है उसको हम मटेरियल बनाकर कैसे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इम्पोर्ट में, तो हमारे पास ये डिफरेंट टेक्सचर पड़े हैं, हम इस टेक्सचर को लगा लेते हैं। बट मेक श्योर एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है, कि यहाँ पर इमेज के ऊपर ये सिलेक्ट ना हो। आप उसको टेक्सचर के तौर पे लगा रहे हैं तो आप टेक्सचर पे सिलेक्ट करें, क्योंकि तब ही वो टेक्सचर आपका मटेरियल बनकर किसी मॉडल के ऊपर लगेगा। हमने टेक्सचर पे क्लिक कर लिया और हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया। जैसे ही हमने इम्पोर्ट किया तो ये उसके ऊपर जहां पर भी हमने इसे लेके जा रही है वहां पर इजी लग जाएगा। तो हमने माउस से लेफ्ट क्लिक किया ये और ये, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये हमारा मटेरियल यहाँ पे बन गया। अभी ये हमारे पास मटेरियल फॉर्म में, हम इसको किसी भी फेस के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इजीली मटेरियल लगा दिया है, ये हमने टेक्सचर के थ्रू लगाया तो ये उसका मटेरियल बन गया है। ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एज ए मटेरियल इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर हम फाइल को इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्वालिटी लेवल ले लेते हैं, अगर हम उसको इमेज ले लेते हैं, टेक्सचर नहीं लेते जस्ट इमेज ले लेते हैं, तो ये भी बिहेव वैसा ही करेगा। लेकिन इसका एक इश्यू ये है कि अगर हम इसको यहां पर लगा देते हैं, लेफ्ट क्लिक करके हमने इसको लगा दिया तो ये जस्ट एक इमेज है। अब ये इजिली हम मूव कर सकते हैं, ये मूव हो सकता है, ये हमारा मटेरियल नहीं है, ये हमारा एक इमेज पड़ा हुआ है और इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये है फर्क, हम टेक्सचर से अप्लाई करते हैं इसको, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो मटेरियल बन जाता है, बट अगर हम इमेज के थ्रू लेके आते हैं तो वो हमारा मटेरियल नहीं बनता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैप टेक्सचर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।